काम करेगा? नहीं, पढ़ाई पढ़ाई कर रही काम मान। गुजरात में कौन सी पढ़ाई कर रहे? उर्दू की पढ़ाई। तुम उर्दू बोले? अब तुम तो हिंदी बोले यहाँ से। डाले 5,000। नहीं तुम्हारा प्रॉपर घर कहाँ हो? तुम तुम्हारे स्थान में तुम्हारा बेटा रख वो चाहे। हाँ चले जा जाए। लोग बाग इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी आपने देखा उसका बेटा गुजरात में पढ़ता है और यहाँ पर वो कबाड़ा खरीदता है। कबाड़े में क्या साइकिल, ये टिन टपर, जूता वगैरह, इस तरह के सामान खरीद खरीद कर अपने बेटे को पढ़ाया। यानी कि कोई भी पिता नहीं चाहता है कि अपनी औलाद ना पढ़े, उसको अच्छा बेस्ट बनाना चाहती है, बट कोई ना। और गाइस आज ये मौसम बहुत सुहाना, मौसम सुहाना बोले तो हवा चल रही है, फसल कट रही है, और आज तो ऐसा मौसम है तो कहीं घूमने चले, लेकिन हमारे पास वो साधन ही नहीं है। अगर घूमने भी जाएंगे तो, बट साधन भी आ जाएगा तो घूमेंगे, अच्छा सब लोग बनाएंगे। तो गाइस हमारा मन क्या करे, घूमने का है लेकिन बहलाना पड़ेगा ऐसे यहीं पर घूम कर। देखो रोड है और सामने हमारा मोबाइल है, बस इसी के सामने हम खुश रहने की एक तरकीब। गाइस मुझे तो आप ये बता दो कि क्या बता दो कि, देखो मैं मन की बात बताऊंगा कि ये शर्म किसने बनाई। ये शर्म बड़ी बेईमान चीज है, इतनी खतरनाक है कि इंसान को कुछ भी करने नहीं देती, कुछ भी। वो तभी कुछ कर पाता है तब उसके पास शर्म नहीं रहती। ये शर्म, ये लाज ऐसी चीज है कि क्या बताऊँ गाइस। मैं अकेला हूँ ना, इसी वजह से आपको बता रहा हूँ। अगर मेरे साथ यहाँ पर 10 जने और खड़े होते ना तो मैं शायद कैमरे के सामने नहीं बोल पाता, लेकिन इतना भी नहीं बोल पाता, लेकिन मैं खुल के नहीं बोल पाता। ये शर्म का पता नहीं गाइस क्या है, मैं कितनी बार कहूँ शर्म शर्म शर्म, बेशरम होना पड़ेगा। बेशरम का मतलब लोगों के सामने बोलना, हालांकि मैं ठीक ही बोलूँगा, गलत कभी नहीं बोलूँगा, फिर भी पता नहीं क्यों गाइस शर्म आ जाती है और नहीं बोल पाते, ऐसे से अच्छे से पेश नहीं कर पाते हैं। तो गाइस ऑलरेडी मुझे मेरी बातों पर हंसी आ रही, क्योंकि अभी 2-3 लोग अगर इधर उधर से आते जाते मिल जाएंगे तो मुझे वापस शर्म आ जाएगी। देख टॉपिक तो आ गए ना शर्म पर, तो गाइस पहले तो करना पड़ेगा कुछ ऐसा। तो गाइस आप लोग यार प्लीज़ देख कर ऐसे जाया ना करो, प्लीज़ यार सपोर्ट मी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मेरे अभी कुछ ही सब्सक्राइब है, ज़्यादा नहीं, मेरा यहाँ पर थोड़ा सा सब्सक्राइब बेस हो जाएगा ना तो मैं किसी के सामने बोलने के लायक हूँ, बोलूँगा। अगर मुझसे बोलेगा तो उसको मैं जवाब दे सकता हूँ कि हाँ भाई मेरे इतने सब्सक्राइब है और मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो बेशक आपके लिए कर रहा हूँ। प्लीज़ यार सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस छोटे छोटे लड़के भी ये बोलते हैं कि काय की वीडियो बना रहा है, काय की बना रहा है, तो कोई बना रहा हूँ और किसी को नहीं बना रहा हूँ। तो ऑलराइट गाइस कुछ तो दिखाएं आज के ब्लॉग में, हम तो मेहनत भरेंगे। तो हम जा रहे हैं हमारे तरी पर, और तरी पर हमारी जो रास्ता है ना वो बहुत ही खराब है। आपने अगले ब्लॉग में देखा होगा रास्ता बहुत ही खराब है, उस रास्ते को सही करवा दिया। तो वो रास्ता अभी हम भी देखेंगे और हम आपको भी बताएंगे किस प्रकार का सही करवाया है। और यहाँ पर जो अब की बार सरपंच बनाने हैं तो काफ़ी इंसानियत वाले हैं, तो रास्ता मस्ता सब क्लियर रखते हैं। तो गाइस रास्ता बता दें अब आपको, बनो है देखो ऐसा बनो पड़ो या मत, तो फिर भी ट्रैक्टर ही हिटत ना, हम तो नहीं निकल पाएंगे, ट्रैक्टर ही हिटत पड़ा है या मत। यू देखो या ये सुधारो ऐसो यो, और ये कोई एक और बड़ो वालो रास्ता, और गाइस थोड़ा सो रास्ता ये सुधारा है वो, ये देखो ऐसो। तो हम ऊपर पगडंडी गए लगी वापस चल रहे, और नीचे ट्रैक्टर वाले गए लगे, इतना सो यहाँ सुधारो, देखते हो ये सुधारा हो यो वाला। ऑलराइट गाइस ये देखो रास्ता तो एकदम टकाटक कर दिया, देखो इसको देखो ये वाला, ये देखो वहाँ एकदम। तो यहाँ पर ट्रैक्टर आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं, और इधर फसल। और गाइस इतनी दूर आए गए हैं तो हम नदी तक आपको बताएंगे कैसा रास्ता खरीद दिया। देखो इस तरह का मस्त कर तो अच्छा रखा है, देखो एकदम टकाटक बन टकाटक रास्ता, वो गड़ गई गाइस नहीं गड़ी। तो ऑलराइट गाइस देखो रास्ता तो एक नंबर बना दिए ऐसा, एक नंबर क्या बना दिए, वो तो इसमें भी फंसेंगे लेकिन निकलने का रास्ता है, क्योंकि हमारी इधर हमारी तरी हंकने को आ गई, अगर उसको नहीं हंकेंगे तो उसमें इधर ये फ़ोन कौन लगा रहा है तेरी, ये सिमपोर्ट वाला फ़ोन लगाया, मैं जंजाली से नदी में आ गया, अब ये नदी में से वापस जंजाली जाना पड़ेगा उसके सिमपोर्ट तेरी की। आधार कार्ड भी साथ में नहीं है, फ़ोन उठाता हूँ पहले तो। चलो अच्छी रही वो फ़ोन लगा के, अभी तो रावगढ़ ही होगा, यहाँ जाता तो वापस जाना पड़ता, तो रावगढ़ से आओगे इतने तो इतने में तो हम यहाँ से वापस जाएंगे। देखो गाइस देख लो ये नदी है हमारी, यहीं तक रास्ता खराब था चढ़ने के, तो देखो ये
गाइस हम चलते हैं अभी सीधा घर, क्योंकि आपको रास्ता दिखाने आई थी, रास्ता आपको दिखा दिया। जान इधर सीधे जान दे, हाँ यहाँ साइड जान दे, मस्त जा दे। हमारे गांव के देख गाड़ी निकाले हो किचवड़ में होने से, एकदम बंद मत करियो। जो गाइस निकाल दी सही ध्यान से, जान दे हैं ना, पैर लिपटा लाओ और जान दे भाई, यहाँ साइड जान दे, हाँ बीच बीच, हाँ यहाँ से जान दे। वाह धक्को था नहीं तू यार भाई, यार चड्डी में आन फिरो यहाँ। ओह वाह वाह यार जान जान, रेस कम मत कर ये। देख तोर भैया निकाल ली चड्डी, जाओ तेरे वीडियो बना ली हमें ना, नहीं पागल फोन छोड़। अपने हमारे गांव के कुछ लड़के हैं बहुत ही खतरनाक रिक्स लेते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रिक्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये गलत है। सबसे बड़ी रिक्स तो यही है कि कोई के रिक्स ना लेते हैं, तो रिक्स ले लिया करो इससे अच्छा तो। और हमें मिल गए हमारे दादाजी, तो उनको बनता है एक राम राम। राम राम दादाजी, दादाजी वीडियो में ले लूँ तुम्हारा क्योंकि वीडियो में मत लिया क्यों ऐसे बोल रहे, वीडियो में मत ले, कोई तो मैं गुनाह करूंगा बेन के साथ। बाय दादाजी बाय। ऑलराइट गाइस हम जा रहे हैं घर, और घर क्या गांव में भी बुरा लगता है क्योंकि यहां पर लड़के है नहीं है, स्कूल गए हैं, और मेरा भी स्कूल जाना बंद है क्योंकि मेरी फाइनल हो चुकी है, तो स्कूल में कोई ऐसे नहीं, और बीए करके मैंने कोई ऐसी टॉप भी नहीं कर दी जिससे मैं कोई जॉब मिल जाएगी, बस ऐसे। कुछ नहीं बता सकता हूँ गाइस, ये बड़ा सीरियस मैटर है, कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो आपको बताऊँगा कि मेरे जीवन में भी क्या घटित कहानियाँ, ऐसे ही नहीं बताई जाती, कुछ इस तरह की बताऊँगा ताकि उससे आप मोटिवेट होंगे और अपने जीवन में आप भी कुछ लक्ष्य निर्धारित करोगे, बताएंगे ज़रूर। तो गाइस देखो हमारे गाँव ऐसी रोड, मस्त चलते हैं आप सीधा घर। तो गाइस धीरे धीरे हम पहुँचने वाले हैं सीधे घर, और घर जाकर मेरी लाइफ अलग स्टार्ट हो जाती है, तो मेरी यहाँ तक की लाइफ यहीं तक है, घर पर मेरी अलग लाइफ है। तो गाइस आई होप आज के ब्लॉग आपको पसंद आए, ब्लॉग पसंद आए तो ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि जिससे मैं मोटिवेट हूँ। और गाइस इसे ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।